इस वीडियो में टेक स्टेप्स के मैं आपको बताने जा रहा हूं एयरटेल के एक दिन के नेट पैक के रिचार्ज के बारे में। तो दोस्तों आप ये किस तरह कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों अपने फोन में एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन कर लीजिए। दोस्तों एयरटेल थैंक्स ऐप ओपन हो चुका है। आपका एयरटेल नंबर इस तरह से डैशबोर्ड में ऊपर की तरफ दिखाएगा और उसमें आपका डेटा कितना बचा हुआ है, डेटा लेफ्ट दिखाएगा, वैलिडिटी कितने दिन की बची हुई है, साथ ही साथ कितना बैलेंस बचा हुआ है, ये सारी जानकारी आपको ऊपर ही डैशबोर्ड में मिल जाएगी। और उसके नीचे एक बटन है जिसमें रिचार्ज नाउ लिखा हुआ है। रिचार्ज करने के लिए इस बटन पर आप टैप करिए। दोस्तों रिचार्ज नाउ पर टैप करते ही ऑल पैक्स का फीचर ओपन हो जाएगा जिसमें ऊपर आपको मेन्यू मिलेगा, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, जिसमें डिफॉल्ट है, रिकमेंडेड, उसके बाद अनलिमिटेड है, उसके बाद क्रिकेट पैक्स है, ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। इसमें आपको दूसरे ऑप्शन अनलिमिटेड पर जाना होगा। अनलिमिटेड पर जाते ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे रिचार्ज के। इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाइए और सबसे आखिरी ऑप्शन मिलेगा आपको ₹19 का, जिसमें नीचे लिखा है ट्रूली अनलिमिटेड कॉल्स, जिसमें 200 MB डेटा है और ये 2 दिन के लिए वैलिड है। मैंने आपको एक दिन के नेट पैक के लिए कहा था, ये आप मिनिमम 1 दिन यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 दिन यूज कर सकते हैं। इस तरह आप अपने एयरटेल में ₹19 का रिचार्ज कर 2 दिन का नेट पैक ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।